2 से 3 दिन के अंदर होगा बच्चे का जन्म, इसका क्या क्या संकेत होते हैं, इस बारे में इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ। मेरी कुछ सब्सक्राइबर हैं जो फर्स्ट टाइम मॉम बन रही हैं, उनको कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ों को लेकर कन्फ्यूजन है। चलिए इस वीडियो में आपके मन में जितने भी डाउट्स हैं उन सारे डाउट्स को क्लियर किया जाए। हाय गाइस, दिस इज श्वेता, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे हैं। वैसे तो जो डिलीवरी के संकेत होते हैं वो काफ़ी पहले से आना स्टार्ट हो जाते हैं। सबसे आसान इजी संकेत आपका 30 वीक के बाद दिख जाता है, जो कि आप घर बैठे पता लगा सकती हैं। जब बेबी हेड डाउन प्रोसेस होता है, या बेबी लाइटनिंग प्रोसेस, या फिर बेबी ड्रॉपिंग प्रोसेस, इस प्रोसेस में आई थिंक जो डॉक्टर्स होते हैं वो 80% श्योरिटी आपको नॉर्मल डिलीवरी की दे देते हैं। जब भी हेड डाउन प्रोसेस में 30 से 34 वीक के बीच में बेबी जाता है। मेरे टाइम 32 वीक में मेरा बेबी हेड डाउन प्रोसेस में गया था। अब है कुछ महिलाएं जानना चाहती हैं कि और क्या क्या संकेत होते हैं। देखिए, संकेत बहुत सारे होते हैं। अगर मैं यहाँ बात करूँ 10 से 12 दिन पहले क्या संकेत आता है, वो होता है आपके लूज मोशन का। ये जो लूज मोशन है वो एवरी लेडीज़ को नहीं आते हैं, किसी को होता है किसी को नहीं होता है। मेरे टाइम में मेरा 12 दिन पहले हुआ था, किसी को 10 दिन, किसी को 15 दिन पहले होता है। और ख़ासकर एक होता है फॉल्स कॉन्ट्रैक्शन। वो क्या होता है? फॉल्स कॉन्ट्रैक्शन एक ऐसा दर्द है जो आपको फील कराता है कि शायद ये मेरा लेबर पेन है। वो दर्द कैसा होता है? वो एक करंट जैसा दर्द होता है जो सिर्फ 2 या 3 सेकंड के लिए होगा और फिर वो दर्द चला जाता है। वो चीज़ें होती है फॉल्स कॉन्ट्रैक्शन। और फॉल्स कॉन्ट्रैक्शन से किसी की भी डिलीवरी नहीं होती है, चाहे नॉर्मल हो चाहे सी सेक्शन हो। अब यहाँ पे हम बात करेंगे तो हमें 2 या 3 दिन पहले राइट हमें कैसे पता चलेगा? देखिए, कुछ ऐसे कारण्स होते हैं जैसे कि आपके नाभि के नीचे वहाँ पे उस हिस्से में बहुत ज़्यादा दर्द रहना, इतना दर्द रहना कि आप कई महिलाएं ऐसा फील करती हैं कि शायद उनको पीरियड होने वाला है। कुछ महिलाएं ऐसे भी होती है जिनको कमर से दर्द स्टार्ट होता है। तो एवरी लेडीज़ के जो लक्षण होते हैं वो अलग अलग होते हैं। यहाँ पे मैं एक वर्ड यूज़ करूँगी, म्यूकस प्लग। वो क्या होता है, वो कब आता है? वैसे तो एवरी लेडीज़ को म्यूकस प्लग आता ही आता है। ये कब आता है? इसका संकेत ये माना जाता है कि जब आपकी डिलीवरी होने वाली होती है उसके 1 वीक पहले आता है। 1 वीक पहले, ये मेडिकल साइंस ऐसा बोलता है कि 1 वीक पहले हो जाता है। बट मैंने 4-5 मेरी जो आसपास की लेडीज़ हैं, मैंने उनसे बातें की, उनका ये इस चीज़ को लेकर एक्सपीरियंस रहा कि डिलीवरी के सेम डे म्यूकस प्लग, या ब्लडी सो उसे कह सकते हैं, वो रिलीज़ होता है, या फिर 1 से 2 दिन पहले रिलीज़ होता है। मेरे केस में क्या हुआ, मेरे केस में मेरा म्यूकस प्लग रिलीज़ नहीं हुआ। जैसे कि सबकी जो प्रेगनेंसी होती है वो अलग अलग होती है, इस केस में मेरे साथ ये नहीं हुआ था। तो कहने का मतलब है, ओवरऑल मैंने जो कुछ संकेत बताए हैं, इन संकेत के आधार पे आप जान सकती हैं कि जो आपकी डिलीवरी है वो 1, 2 या 3 दिन के अंदर हो जाएगी। साथ ही साथ जो लेबर पेन स्टार्ट होना होता है, ये स्टार्ट होता है, कई लेडीज़ को वाटर बैग लीक करता है, कई लेडीज़ को वाटर बैग लीक नहीं करता है। कई बार आपका लेबर पेन पहले स्टार्ट होगा फिर वाटर बैग लीक होगा, या फिर आपका वाटर बैग पहले लीक होगा फिर लेबर पेन स्टार्ट होगा, या फिर वाटर बैग लीक नहीं होगा और लेबर पेन भी नहीं आएगा लेकिन समय पूरा हो जाता है। और जो समय है वो आपका अल्ट्रासाउंड के डेट के हिसाब से पूरा हो चुका है, जो आपका एक्सपेक्टेड ड्यू डेट होता है वो पूरा हो गया रहता है। इस केस में आपको फ़ौरन अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए, किसी की बात को नहीं सुनने की ज़रूरत है, क्योंकि अब आपके पास समय बहुत कम है। मिलती हूँ मैं आप सबसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।